सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रोसेस रैप वोकल्स, सो लेट्स गो। सो हेलो प्रोड्यूसर्स, हाउ आर यू, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस चैनल पे हम लोग EDM और म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं। अगर दैट्स व्हाट यू लाइक, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, बिकॉज बहुत सारी नई वीडियोस आने वाली, स्टे ट्यून्ड। सो आज हम बात करेंगे रैप वोकल्स कैसे प्रोसेस करते हैं। सो हाल ही में मैंने अपने एक रैपर फ्रेंड की मदद की थी मिक्स करने में उसके सॉन्ग को। सो उसी के प्रोजेक्ट को हम लोग दिखाएंगे, उसका नाम है गॉडफादर और गाने का नाम है उम्मीद। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट करना अगर पसंद आए। सो या लेट्स गो स्ट्रेट टू द FL स्टूडियो और वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये प्रोजेक्ट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक बार मैं सुना देता हूँ आपको रॉ वोकल्स कैसी साउंड करती थी। ये मेन वोकल है। एक बार फिर बाहों में तू आ मेरी, एक बार फिर हाथों को तू थाम, एक बार फिर आंखों से तू पढ़ मुझे, एक बार फिर छोड़ा हाथों से तू जाम, आदत थी तेरी ऐसी जो चाहती नहीं। सो या अभी तब समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार बीट के साथ सुना देता हूँ आप लोगों को, तब शायद आप लोगों को थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। एक बार फिर बाहों में तू आ मेरी, एक बार फिर हाथों को तू थाम, एक बार फिर आंखों से तू पढ़ मुझे, एक बार फिर। सो या दैट्स इट। और ये नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स को एम्फसाइज करने के लिए मैंने जो दूसरी लेयर्स उन्होंने भेजी थी उसमें से चॉप्स कर करके मैंने लगाया है। एक बार इनको भी सुन लेते हैं कैसे साउंड कर रही है। बाहों में तू आ मेरी, हाथों को तू थाम, आंखों से तू पढ़ मुझे, छोड़ा हाथों से तू जाम। सो या फर्स्ट हाफ में ये ऐसे ही चल रहे हैं और सेकंड हाफ में जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरे सेकंड हाफ में इन वोकल्स को ऐसे ही रखा हुआ। तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं, कैसे ये हादसा हुआ मुझे बता जरा। और एक ये लास्ट लेयर है जो मैंने लगाई थी थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं, कैसे ये हादसा हुआ मुझे बता जरा। तो ये थोड़ी खतरनाक आवाज मैंने इसकी कर दी। पिच को जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक ऑक्टेव ही नीचे कर दिया था। और FL स्टूडियो के नए वर्जन में आपको स्ट्रेच प्रो का ऑप्शन मिलेगा, उससे मैंने फॉर्मेट को भी थोड़ा और ज़्यादा शिफ्ट कर दिया ताकि वो डार्क वाइब आए। लेकिन जब भी ऐसी लेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसको लेवल, जो मेन साउंड है उसके साथ अच्छे से लेवल करें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लाउड हुई तो फिर शायद दिक्कत हो सकती है। साथ में देखते हैं ये सारी लेयर्स कैसे साउंड कर रही हैं। तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं, कैसे ये हादसा हुआ मुझे बता जरा, क्यों तू रूम बंद कर रोता रहा। सो या जैसे कि आप देख सकते हैं लेवल्स काफी सटीक किए गए हैं ताकि सारे वोकल्स एक साथ अच्छे साउंड करें। तो बात करते प्रोसेसिंग की, कैसे मैंने मेन वोकल को प्रोसेस किया है। एक्चुअली सारी लेयर्स मैंने एक ही चैनल पर डाल दी थी ताकि सब पे रिवर्ब वगैरह एकदम सेम लगे और कोई भी लेयर अलग से साउंड ना करे, इसलिए मैंने सारी लेयर्स को एक ही चैनल पर डाला था। प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि जैसे कि आप ये देखते हैं डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा है इसमें। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लाउड हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा धीमी हैं, आप वेव फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो इसको हम पहले सही करेंगे कंप्रेसर से, और हम ये इतनी ज़्यादा डायनेमिक रेंज नहीं चाहते रैप सॉन्ग में, बिकॉज ये रैप सॉन्ग में इतनी डायनेमिक रेंज होती नहीं। अगर ये नॉर्मल सिंगिंग वाला सॉन्ग होता तो थोड़ी बहुत डायनेमिक रेंज छोड़ सकते थे, पर रैप सॉन्ग में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए सबसे पहले यूज़ किया मैंने ग्लू कंप्रेशर, जैसे कि आप देख सकते हैं। देव तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं, कैसे ये हादसा हुआ मुझे बता जरा। सो या जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लाउड पार्ट थे उन्हीं को ये कंप्रेस कर रहा ठीक से। रेशियो भी मैंने 10:1 का ले रखा है ताकि बहुत सटल, मतलब ठीक ठाक कंप्रेसर हो। उसके बाद मैंने ऐड किया है EQ। जैसा कि आप अगर वोकल्स को सुनेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। देव तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं। राइट, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो वोकल्स रिकॉर्ड हुए हैं वो एक USB माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड हुए थे, इसकी वजह से हाइज या एयर्स उतनी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैंने इससे काफ़ी सारी एयर्स को ऐड किया, काफ़ी ठीक ठाक ऐड किया है। और यहाँ पे भी लो मिड्स को बूस्ट किया ताकि इसकी आवाज़ में थोड़ी भारी बनाए,
ताकि तक आवाज में थोड़ी भारीपन और बॉडी थोड़ी बढ़। सो लेट्स लिसन टू इट। देव तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं, कैसे ये हादसा हुआ मुझे बता जरा, क्यों तू रूम बंद कर रोता रहा, कैसे बताऊं उन्हें गलती ये तू मेरी। तो देख सकते हैं आप काफी ज्यादा प्रेजेंस वोकल को दे रहे हैं। उसके बाद मैंने यूज किया ऑटो ट्यून ई मेजर पर ट्रैक है, तो ई मेजर मैंने सिलेक्ट कर लिया। बहुत सटल ऑटो ट्यून है, बहुत ज्यादा नहीं है, वो ट्रेविस स्कॉट वाली वाइब हमें नहीं चाहिए। देव तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं, कैसे ये हादसा हुआ मुझे बता जरा, क्यों तू रूम बंद कर रोता रहा, कैसे बताऊं उन्हें गलती ये तू मेरी है प्यार। ऑटो ट्यून के बाद मैंने कैमल क्रशर यूज किया है, ब्रिटिश क्लीन प्रीसेट, और मिक्स को मैंने देख सकते हैं आप 34% रखा हुआ मिक्स, तो बहुत पूरी तरह से नहीं यूज़ किया, 34% ही मैंने ब्रिटिश क्लीन प्रीसेट कैमल क्रशर का यूज़ किया। उसके बाद बारी आती सैटर्न की, सेचुरेशन ऐड किया मैंने थोड़ी बहुत, हारमोनिक्स, और जैसे कि आप देख सकते हैं हाई में मैंने फिर से थोड़ा बूस्ट दिया, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मुझे लगा कि हाई फ्रिक्वेंसी और थोड़ी बूस्ट होनी चाहिए ताकि एक इम्पैक्ट अच्छा पड़े गाने का। देव तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं, कैसे ये हादसा हुआ मुझे बता जरा, क्यों तू रूम बंद कर रोता रहा। और इसमें भी मिक्स मैंने जो है 55% रखा हुआ है, 100% कोई भी चीज नहीं रखी, मिक्स नॉब कम रखा है। और उसके बाद आती बारी ओटीटी की, ओटीटी भी बहुत कम रखा है 9%, क्योंकि ज्यादा ओटीटी नहीं चाहिए था, सैचुरेशन वगैरह हो ही गई है अच्छे से, 9% ओटीटी। देव तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं, कैसे ये हादसा हुआ मुझे बता जरा, क्यों तू रूम बहुत सटल सा है। उसके बाद है पीक कंट्रोलर, पीक कंट्रोलर किस लिए है, डिले और रिवर्ब को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जब भी वोकल्स आए तो रिवर्ब और डिले बंद हो जाए, वोकल्स जब ना हो तभी रिवर्ब और डिले रहे। बिल्कुल भी बंद नहीं किया है, 50% छोड़ दिया है, देख लेते हैं। देव तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं, कैसे ये हादसा हुआ मुझे बता जरा, क्यों तू रूम बंद कर रोता रहा, कैसे बता। तो काफी ज्यादा डिले है, पर वही बात है पीक कंट्रोलर की वजह से जब भी वोकल रहते हैं तो डिले नहीं रहता है, इसलिए एक अच्छी वाइब क्रिएट हो जाती है। और ये जो ट्रैक था काफ़ी इमोशनल सा है, तो एक वाइब क्रिएट करने के लिए मैंने ज़्यादा डिले और ज़्यादा रिवर्ब डाला है, ताकि वो एटमॉस्फेरिक वाइब एक रहे। रिवर्ब तो अपना वही 8 एकॉस्टिक रिवर्ब यूज़ किया है, 4 सेकंड की डीके टाइम पे, सुनते हैं। देव तेरी रूह अब पहले जैसा गाती नहीं, कैसे ये हादसा हुआ मुझे बता जरा, बंद कर रोता रहा, कैसे बताऊं उन्हें गलती ये तू मेरी है प्यार, तेरे जैसा मां इस दुनिया में मिलता कहां, कभी कभी सोचूं खुद को मैं कर लूं रिहा, लोगों के झूठे इन वादों से थका हुआ, पर काबू पा खुद को मैंने रोका, क्योंकि मां तेरा चेहरा मेरे सामने आता रहा एक बार फिर। So yeah, that's it for the rap vocals. So yeah, that's how you process rap vocals. और वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो, क्योंकि बहुत सारी म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ आएगी, हिप हॉप से भी हो सकता है रिलेटेड वीडियोज़ आए, और EDM से रिलेटेड तो वीडियोज़ भाई बेशक आएंगी। EDM की बात उठी है तो मेरा नया गाना आउट हो चुका है गैजेट, अगर अभी तक नहीं सुना तो चेकआउट कर लो, और कुछ ही दिनों के बाद मैं उसका ब्रेकडाउन भी अपलोड करूँगा, तो ये रहा ट्रैक, जाके उसको सुनो और भाई प्यार बरसाओ उस गाने पे, जाके अपने दोस्तों को शेयर करो, खुद भी सुनो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।